जो प्रचार प्रसार किया, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ उन्होंने शंभू गौरा पिंड को स्थापित किया, इसलिए उसको लिंगो पिंड कहते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको लिंग बनाया। तो आपके कल्चर को, इतिहास को ना ऐसे मरोड़ा जा रहा है, ऐसे मरोड़ के दिखाया जा रहा है थोड़ा। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि हम बात करते हैं आज गोंडियन ट्राइब की, उनके व्यवस्था की, उनकी व्यवस्था ऐसे कैसे बनाई गई और इस व्यवस्था को सटीकता से रखने के लिए क्या क्या नियुक्त किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते हैं। अगर आप गोंडियन हैं, आप प्रधान हैं, आप में गोत्र व्यवस्था है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो तारीख 16 दिसंबर को अम्बोरा के यहाँ पे कोलासुर गोंगो किया गया। और इस प्रोग्राम में मैं तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे एलिब्रेट टीम के हमारे मामा जी तिरुमल प्रकाश सलामी साहब वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पे हमारे गोंडी गायक सुरेश वेलादे जी और हमारे हरीश उइके जी और अन्य कई लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सभी सगाजनों ने मिलकर एक समाज प्रबोधन सोहला वहाँ पे मनाया और वहाँ पे कोलासुर गोंगो किया गया। एक्चुअली ये सवाल सभी के दिल में टिक टिक करता है कि कोलासुर गोंगो क्या है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पांडिपरी कुपार लिंगों ने जब इस व्यवस्था को पूर्ण बनाया, पूर्ण किया, तब कुपार लिंगो तो हर गांव हर शहर नहीं पहुँचे। दिक्कत यह है कि जो 33 बच्चे उस गुफा से निकाले गए थे, उन 33 बच्चों को ही पढ़ाया गया था। और इस पुनेम को लोगों में प्रचारित करने के लिए यह 33 बच्चे ही हैं वो सभी। और वो 33 बच्चे, कुछ 5 बच्चों को नियुक्त किया गया जिनको हम भूमका कहते हैं। आप कहते हो कि मैं 6 सगा का हूँ, कोई कहता है मैं 4 सगा का हूँ, कोई कहता है मैं 3 सगा का हूँ, कोई कहता है मैं 7 सगा का हूँ। इन सभी के गोत्रों में जैसे उनका नाम आता है, जैसे मैं 5 सका का हूँ तो आरौड़ महारौड़ मेकारौड़ रेकारौड़ आएगा, तो उसके पीछे एक मेरा भूमिका रहेगा जिसका नाम है हीरा ज्योति। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। हमारे मार्गदर्शक वो भूमिका थे जिसका नाम था हीरा ज्योति। वैसे ही 4 सगाओं के जो भूमिका माने जाते हैं जिन्हें कोलासुर कहा जाता है। आपको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ, जंगोदाई के जो 3 गोत्र है, 1, 2, 3 गोत्र को नारायणसुर गुंगो भूमिका दिए गए थे, 4 सगाओं को कोलासुर भूमिका, 5 सगाओं को हीरा ज्योति, 6 सगाओं को मानको सुंगाल और 7 सगाओं को तुरपोरा है। ये 5 भूमिका नियुक्ति किए गए और ये 5 भूमिका ने यहाँ पे कोया संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, हम कह सकते गोंड संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों इन भूमिकाओं में से एक भूमिका जो 4 सगाओं के भूमिका है, उनका क्षेत्र है अम्बोरा, जहाँ पे उनका पेनगुड़ी है, उनके समाधि स्थल है। और वहाँ पे आज भी जनता बड़े ज़ोरों से जाती है। 4 सगा तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी राजधानी है, हमारे जो भूमिका है वो यहाँ पे थे। आपको लोग कहते होंगे कि बहुत सारे इस 10-12 साल पहले लोग ना मूर्ख बनाते थे, यहाँ उस भगवान ने पैर रखा था, वहाँ उस भगवान ने नहाया था, वहाँ पे जाते वक्त वहाँ पैर रख दिया तो उतना बड़ा पत्थर बन गया, ऐसे करके लोगों को मूर्ख बनाते थे। लोग भी मूर्ख बनते थे क्योंकि लोग यही मानते थे कि उनके भगवान सही में थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही कि आज लोग मान रहे हैं कि भगवान नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने मूर्ख इसलिए बनाया कि हम बंधे रहे। लेकिन दोस्तों मैं कह दूँ कि आपके धर्म पाखंड ग्रंथ कितने भी आप सामने लाने की कोशिश करिए, उसमें जो भौगोलिक क्षेत्र है ना वो ट्राइबों का तगड़ा है। ट्राइब आदमी गाने गाता है, उसके गानों में इतिहास होता है, तो उसकी भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन भी वैसे ही है। उसने कहा अमरकंटक में उगम है, उत्पत्ति है, तो अमरकंटक में भी वंशभिड़ी है। उसने कहा कचारगढ़ में हमारा इतिहास है, तो कचारगढ़ वास्तविक में है। उसने कहा कि शंभूसेख हमारे राजा है, वो पेंकमेड़ी में रहते थे, आज भी पचमढ़ी में लोग जाते हैं। उसने कहा कि जंगो रायतार और पांडिपरी कुपार लिंगों की भेंट हुई थी, लोग कहेंगे ये गलत है, गिदालपल्ली नाम का गांव है तेलंगाना में, वहाँ पे उनकी भेंट हुई थी। जंगोबाई का मंदा एरोनिया ने, उनका जो आश्रम है अनाथ बच्चों को रखने वाला, विधवा स्त्रियों को, कुमारी माताओं को रखने वाला आश्रम आज भी है। क्योंकि ट्राइबल कल्चर में जो भी क्षेत्र बताए जा रहे हैं ना वो आज भी है। आपको भीमालपिन का भीमगढ़ मिल जाएगा, आपको बमलाई का डोंगरगढ़ मिल जाएगा,
आपको ये पांच भूमिका है ना, ये पांच भी भूमिका मिल जाएंगे इसमें, जिसमें से एक कोलासुर है। और दोस्तों वहाँ पे जो प्रोग्राम हुई उसके कुछ वीडियोस मेरे साथ शेयर किए गए, वो वीडियो कंटिन्यू आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो अच्छी तरह से वहाँ पे वहाँ से गोंगो किया गया, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ के वहाँ पे कोलासुर की पेन गुड़ी है, और उस गुड़ी पे प्रतिमान सेवादी हम कह सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात नोट करने वाली है कि ट्राइबलों के क्षेत्र में हमेशा ही हमें अतिक्रमण नज़र आता है। ट्राइबलों के क्षेत्र में जैसे देखिए, शंभू गौरा पिंड मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको दूसरा नाम देके उसको ही खड़ा कर देना ये गलत बात है। शंभू गौरा पिंड ट्राइबल जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पर जिनको हम भूमिका कह रहे हैं, कोलासुर, नारायणसुर, मानको सुंगाल, तुरपोरा, हिरवा ज्योति, ये जो भूमिका है इनको लिंगो भी कहते थे ना। अगर इन लोगों ने जिस शंभू गौरा पिंड का जो प्रचार प्रसार किया, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ उन्होंने शंभू गौरा पिंड को स्थापित किया, इसलिए उसको लिंगो पिंड कहते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको लिंग बनाया। तो आपके कल्चर को, इतिहास को ना ऐसे मरोड़ा जा रहा है, ऐसे मरोड़ के दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। अंबोरा देवस्थान जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर कोलासुर डेमोन की बात करते हैं। अगर आप गैजेट पढ़े अंग्रेज़ों का तो कोलासुर के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो कोलासुर डेमोन करके वहाँ पे एक उल्लेख आता है। वहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा ये भी है कि वहाँ पे नदियों का, अनेक नदियों का संगम हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक्चुअल में हम अगर देखेंगे बाकी क्षेत्रों की तरफ, कचारगढ़, परंदुली कोट, बोरा या केसलापुर, या आप कह सकते हो भीमगढ़, डोंगरगढ़, ये सभी क्षेत्रों को आप अच्छी तरह से निहारी है, आपको क्या लगता है ये सभी क्षेत्र नेचर के नज़दीक हैं। नेचर की जो अपार सौंदर्य होता है नेचर का, वो पूरा पूर भर के है। और ऐसे स्थानों पे हमारे जो पेन पुरखा हैं उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन आज वहाँ पर अतिक्रमण। इसलिए मैं अतिक्रमण क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको, नाम बदले गए, बमलाई बमलेश्वरी बन गई। और कब वो सभी को संभालने वाली बमलाई, लोगों के दुख निवारण करने वाली, गांव-गांव जाकर सेवा करने वाली बमलाई, कब आशीर्वाद देके यहाँ से रोशनी निकाल के लोगों को अच्छा करने लगी पता ही नहीं लगा। वैसे ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आज जिनको आप कोलासुर कहते हैं वो आपके भूमिका है, चार सगाओं के, हमारी हीरा ज्योति है। तो इन भूमिकाओं को अगर व्यवस्थित रखना, इन लोगों ने हमारा कल्चर को उजागर किया है तो व्यवस्थित रखना है, तो ये बात समझिए वो लोग भूमिका थे, लिंगो थे, और उन्होंने इस व्यवस्था को फैलाया है, फुलाया है। यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं हुआ था। अगर चमत्कार के पीछे जाओगे तो एक ना एक दिन अपना कल्चर ख़त्म करके बैठोगे। और सभी ये हमारे पेनों को भगवान बन के चमत्कारी बनाने वाले सभी लोगों को एक निवेदन है कि आप जरा गोंड प्रधान होकर पेनों से दूर रहिए, आपका कोई काम नहीं है हमारे कल्चर में। किसी भी पूजा पाठ में आपको हम न्योता नहीं देते, और आपके वजह से हमारी पूजा होती ही नहीं है। सो दोस्तों, इस प्रोग्राम में देखा गया हमारे गायक सुरेश वेलादे जी, जिन्होंने बहुत सारे गाने हमें बनाए हैं, जिनके गाने लगाकर हम डीजे पे भी नाचते हैं। हमारे प्रकाश सलामी मामा जी ने वहाँ पे भी प्रबोधन किया है, बहुत सारे लोग थे, और इस हर्षोल्लास में इस पुनेमी कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। तो आगे चलकर मैं यही बताना चाहूँगा, आप चार सगा के हैं या आप अन्य सगाजन हैं, आपको इस स्थल में जाना है तो प्लीज़ जाइए, अपने कोलासुर भूमिका यानी कोलासुर गोंगो को सामने से महसूस करके आइए। एक तो वो गोंडियन पुनेमी स्थल है, जिस स्थल को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे चलकर जो पांच भूमिका थे, जैसे कोलासुर हुआ, हिरवा ज्योति हो गया, मानको सुंगाल, तुरपो राय, नारायणसुर, इन सभी के जगह जाकर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सहकार्य देने वाले मेरे मामा जी तिरुमल प्रकाश सलामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, तिरुमल सुरेश वेलादे जी इनको धन्यवाद देता हूँ, हरीश जी उइके जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और अन्य सगाजन जिन्होंने आयोजन किया इस प्रोग्राम का, और मैं उनको कहूँगा कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम। नांगेल ता मूठ मरसता कोला, म्हणजे नागराचा मूठ आणि कुराळीचा दांडा, नांगेल ता मूठ मरसता कोला, पावळाचा दांडा तोडीचा ढिला ढेला, बित्ताले इमा वरविले, म्हणजे तू ढोर काम करतो, कांद्यावर कुराळ राहते तुझ्या जंगलामध्ये वनवन फिरतो, घामेला
आणि पावळं घेऊन तो गावोगावी शहरा शहरामध्ये काबाड कष्ट करतो पोट भरण्यासाठी. याला तू भेत नाही. हिमा वरवी हिले पावळा मर्स ताकुशी आले म्हणजे ढोर काम करतो भेत नाही. गोंडवाना की सर जमीन पर सप्तरंगी झंडा लहराएगा. गोंडवाना के हर घर में रावण गोंगो ही मनाया जाएगा. इद मावा गोंडवाना ईंदा न जय सेवा. इद मावा गोंडवाना ईंदा न जय सेवा. राजा राव नाना वंशरण भूमि मावा. राजा राव नाना वंशरण भूमि मावा. इद वरवा गड़त दरबा साले राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा. राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा.